Greetings to you all. Today we are going to study Reach for the Top. This is about Santosh Yadav. She is an Indian mountaineer. Santosh Yadav world की first lady हैं जो कि Mount Everest को 2 times scale कर चुकी हैं. उन्होंने Mount Everest को Kangchung phase से climb किया था. First May 1992 में and secondly in May 1993 में. She scaled Mount Everest with an Indo-Nepalese team. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded means thought as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. Mount Everest पे चढ़ने वाली संतोष यादव, ये ऐसी सोसाइटी में इन्होंने जन्म लिया था जहाँ पर कि बेटे का जन्म होना वरदान समझा जाता था और लड़की को हालांकि कर्ज तो नहीं समझा जाता था, लेकिन उसका उतने प्लेजेंट वे में स्वागत नहीं किया जाता था जितना कि लड़के के जन्म को. व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, इट ट्रैवलिंग होली मैन, होली मैन मीन सेंट, साधु, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स. तो जब संतोष की मदर ट्रैवलिंग कर रही थी तो संतोष की मदर को देखकर संत जो हैं, होली मैन जो हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं. अज्यूम्ड दैट शी वांटेड ए सन, उन्होंने गेस किया कि शायद वो बेटा चाहती हैं और वो बेटे का आशीर्वाद देते हैं. बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, लेकिन जो संतोष यादव की दादी माँ थी वो पास में ही खड़ी थी और वो कहती हैं कि नहीं, हमें बेटा नहीं बेटी चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, नेवर द लेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. हालांकि जो संत थे वो भी हैरान होते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने वरदान मांगा था बेटी के लिए तो वो ऐसा ही होने का वरदान दे देते हैं. And as destiny would have it, the blessing seemed to work. Seemed means was seen. तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो आशीर्वाद जो है वो फलीभूत हो गया. संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons. वो 5 भाइयों की एक इकलौती बहन थी. And a sister to 5 brothers. She was born in the small village of जोनिया वास ऑफ रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. वो हरियाणा के रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनिया वास गांव में पैदा हुई थी. द गर्ल वास गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. बट संतोष वास नॉट ऑलवेज कंटेंट, पर संतोष जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. उनको जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे. ट्रेडिशनल मीन्स कन्वेंशनल. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. शुरू से ही वो अपने तरीके से ज़िंदगी को जी रही थी. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर मीन्स लाइक बेटर शॉर्ट्स. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिंड. Determined means firm decision, कि मैं शुरू से ही जो है firm decision के साथ आगे बढ़ती थी. That if I chose a correct and a rational path, rational means based on reasons. अगर मैं एक ऐसा रास्ता चुनती हूँ जो कि reasons पे based है, the others around me had to change, not me. तो वो शुरू से ही quite clear थी कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स. एफ्लुएंट मीन्स रिच, लैंड ओनर्स मीन्स जमींदार. तो उनके पास काफ़ी ज़मीन थी. हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजना जो है अफोर्ड कर सकते थे. इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, इवन वो अपने बच्चों को बाहर भी भेज सकते थे, न्यू दिल्ली में भी भेज कर पढ़ा सकते थे किसी अच्छे स्कूल में. Which was quite close by, जो कि उनके गांव के काफ़ी पास पड़ता था. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school.
तो जैसा कि उनके गांव का रिवाज था, परिवार में जो रिवाज था, संतोष को भी गांव के एक लोकल स्कूल में भेज दिया गया. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. अराइव्ड मीन्स केम. संतोष जो है उस समय एक सही मोमेंट का इंतजार करती है कि जब सही मोमेंट आएगी तो ज़रूर मैं सिस्टम के साथ फाइट करने वाली हूँ. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. जब वो 16 इयर्स ओल्ड हो गई तो वो राइट मोमेंट आती है. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड. 16 साल की उम्र में ही उनके गांव में शादियां कर दी जाती थी लड़कियों की. संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. और संतोष के ऊपर भी इस चीज़ का स्ट्रेस डाला जा रहा था पेरेंट्स की तरफ से कि आपको भी जैसे कि विलेज में कल्चर है वो फॉलो करना चाहिए. ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिडेंट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन. प्रॉपर मीन्स राइट. तो वो अपने पेरेंट्स को थ्रेट देती है कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करने वाली. शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड. एनरोल्ड मीन्स गोट एडमिशन इन अ स्कूल इन डेली. और वो घर छोड़ देती हैं और डेली के एक स्कूल में अपना एडमिशन करा लेती हैं. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. तो इसके ऊपर वो बोलती हैं कि मैं पार्ट टाइम काम करके अपने स्कूल की फी के जो खर्चे हैं वो पूरे कर लूँगी. Her parents then agreed to pay for her education. और लास्ट में जो है उसके पेरेंट्स जो है एजुकेशन का खर्च देने के लिए तैयार हो जाते हैं. Wishing always to study a bit means a little more, and with her father slowly getting used to her urge means strong desire for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. इस तरह से वो अपनी एजुकेशन को हाई स्कूल तक पूरा करने के बाद जयपुर चली गई. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. और कस्तूरबा हॉस्टल में उन्होंने एक कमरा ले लिया और महारानी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी. आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम. और मैं अपने रूम से गांव वालों को वहाँ जाते हुए देखती थी. गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल. वैनिशिंग मीन डिसअपेयरिंग. और कुछ ही समय के बाद वो दिखाई देने बंद हो जाते थे. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. संतोष कहती है कि एक दिन मैंने सोचा है कि मैं खुद जाकर चेक करती हूँ कि वो जाते कहाँ हैं. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स. और मेरे को वहाँ कोई नहीं मिला, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स मिले. माउंटेनियर्स मीन्स दोज हु क्लाइंब माउंटेन्स, पर्वतारोही. आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम. मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव. और उन्होंने पॉजिटिवली आंसर दिया एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग. मोटिवेटेड मीन्स एनकरेज्ड. और मुझे भी क्लाइंबिंग के लिए एनकरेज किया. देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिंड यंग गर्ल. और फिर वो कहती हैं कि फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मैं हमेशा पक्का निश्चय करके आगे बढ़ती थी. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. और अब इन्होंने एक गोल बना लिया कि मैंने इसी लाइन में आगे बढ़ना है और वो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना एडमिशन करा लेती हैं, एक कोर्स ज्वाइन कर लेती हैं. माई कॉलेज सेमेस्टर. सेमेस्टर मीन्स एन अकेडमिक सेशन इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इन इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे. लेकिन ये 19th मे को एंड हुआ एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. और मुझे उत्तरकाशी में 21st को होना था. सो आई डिडेंट गो बैक होम. इसलिए मैं वापस घर नहीं गई. इंस्टेड आई हेडेड स्टेट मीन्स वेंट फॉरवर्ड फॉर द ट्रेनिंग. और मैं ट्रेनिंग के लिए ही आगे बढ़ गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलोजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. और मुझे अपने फादर को एक माफ़ी पत्र लिखना पड़ा जिसमें कि
मैंने उनको लिखा कि मैंने आपकी परमिशन के बगैर उत्तरकाशी में जो है अपना एडमिशन करा लिया है, सॉरी फॉर दैट। देयर आफ्टर संतोष यादव वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। उसके बाद संतोष यादव हर साल एक डिफ़िकल्ट असाइनमेंट पे जाती रही। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, बड़ी तेज़ी से उनका जो क्लाइंबिंग स्किल है वो मैच्योर हो रहा था। आल्सो सी डेवलप ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस, रिमार्केबल मीन्स नॉट वर्दी, रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो इस तरह से उनकी बॉडी जो है ठंड और हाइट के प्रति जो है रेजिस्टेंस जो है हासिल करती जा रही थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, आयरन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, फिजिकल एंडोरेंस, एंडोरेंस मीन्स कैपेसिटी टू बेयर, एंड एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। इस तरह से उनमें जो है ठंड को सहन करने की और मेंटल टफनेस आती चली गई। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, हर बार वो जो है अपने आप को प्रूव करती जा रही थी पॉजिटिव वे में। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, कल्मिनेशन मीन्स टॉप पॉइंट, चरम सीमा एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर शी हैड शाइली मीन्स विद शाइनेस आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। तो वो 1992 में अरावली माउंटेनियर्स को क्वेश्चन करती है, इंक्वायरी करती है कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ एट बियरली 20 ईयर्स ऑफ एज। हार्डली वो 20 साल की उम्र की थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट और उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और वो इस नोबल एक्ट को अचीव करने वाली यंगेस्ट वुमेन थी इंडिया की। इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। तो उनके सीनियर्स भी उनकी जो फिजिकल फिटनेस है और मेंटल स्ट्रेंथ है उसको देख के हैरान होते थे। हर कंसर्न, कंसर्न मीन्स अटेंशन, डिवोशन फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। तो जो उनके अंदर अटेंशन थी, डिवोशन थी, उसको देखकर जो उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे वो भी उनको दिल से लाइक करते थे। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। कोल मीन्स ए लो पॉइंट ऑफ ए रिज बिटवीन टू पीक्स। तो एक बार 1992 एवरेस्ट कैंपेन के दौरान संतोष यादव जो हैं अपने एक क्लाइंबर की हेल्प करती हैं, लेकिन वो उसको मरने से नहीं बचा पाई। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, लेकिन वो एक दूसरे क्लाइंबर जिनका नाम था मोहन सिंह उनको बचाने में कामयाब हो जाती हैं। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। अगर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन को मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं किया होता तो शायद उनकी भी डेथ हो जाती। विद इन 12 मंथ संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेम्बर ऑफ एन इंडो नेपलिस वुमेन्स एक्सपीडिशन। और विद इन 12 मंथ्स संतोष यादव जो हैं इंडो नेपलिस वुमेन एक्सपीडिशन की मेम्बर बन जाती हैं, दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम। उन्होंने उनको, संतोष यादव को इन्वाइट किया था ज्वाइन करने के लिए। शी देन स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। स्केल्ड मीन्स क्लाइम। तो वो एक ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक, यूनिक मीन्स विच हैज नो पैरलर प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। एनल्स मीन्स हिस्ट्री। तो माउंटेनियर्स के इतिहास में ऐसा कोई और एग्जाम्पल नहीं है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टाउड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी इन अचीवमेंट्स को देखते हुए उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली, लिटरली मीन्स सिंपली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड
It took me some time for the enormity means excess of the moment to sink in means be understood. कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ये समझने में कि ये जो मोमेंट है ये कितना इम्पोर्टेंट है. देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर और फिर मैंने तिरंगे को फहराया. एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट मीन्स इसको मैंने ऊंचा रखा ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड संसार की छत के ऊपर माउंट एवरेस्ट की पीक पर. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल और ये फीलिंग्स जो हैं मैं बयान नहीं कर सकती. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि इंडिया का जो फ्लैग है उसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर देखकर जो मुझे खुशी हो रही थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट ये बड़ी ही सोल से रिलेटेड मोमेंट थी. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन और मुझे इंडियन होने पर गर्व था. आल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट क्योंकि वो एक कीन एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं. संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज गार्बेज मीन्स रबिश कूड़ा फ्रॉम द हिमालयाज क्योंकि वो एक कीन एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो वो अपने साथ 500 किलोग्राम्स गार्बेज जो है माउंटेन से नीचे लेकर आती हैं. दिस इज ऑल अबाउट द संतोष यादव. वट एवर इज गिवन इन द बुक मोमेंट होप यू अंडरस्टूड इट.